इर्द गिर्द, और उस शहर ने पूरे माहौल नू अपनी जकड़ च लिया होया, और हर बंदे दे जहन च, हर बंदे दे दिल च एक अजीब सी खुशी, जहन तो असीं नहीं पढ़ सकते लेकिन उदा चेहरा तक असीं समझ सकने हैं कि उदा दिल और उदा जहन की सोच रहे ने और की महसूस कर रहे ने। और मैनू उन्हां दे अपने हमवतनां दे चेहरियां दे जिहड़ा एक मान, एक खुशी दा तासर नज़र आया, मैं उहदे लई दुआ करनी आ कि मेरे वतन दे वासियां नू हमेशा रब खुश रखे और आबाद रहन और इसे तरह जिंदगी दे कम्मां च हिस्सा लैंदे रहन और जिंदगी दी दौड़ च अपना अपनी सांझ पाउंदे रहन। असीं सब तों पहला मौसम दे हवाले नाल इक सोहणा जिहा गीत सुणने आ, फिर वापस आने आ और सुनते रहो एफ एम 95 पंजाब रंग। जी सजना में पिजी पिजी रुत आ गई, बड़ा ही सोहना गाना और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़। और एक जड़ी सी रुत की गल करे सी कि बंदा ज़्यादा देर मौसम की कोई भी सख्ती बर्दाश्त नहीं करता, अगर ज़्यादा देर सर्दी रहती है तो भी सी उकता जाने, और गर्मी तो हूँ मेरा ख्याल है कि एक अरसा ही हो गया गर्मी का मौसम आया से जा ही नहीं रहा, अक्तूबर मुक्न वाला है, नवंबर आने वाला है, लेकिन हाले तक गर्मी का वो आलम है कि एसी लगे हुए हैं और हब्स का आलम है और शदीद एक बेजारी शुरू हो गई सी लोगों से, लोग हुण दूसरे कपड़े भी पाना चाहते हैं और अपने गर्मी वाले कपड़े जरा ठप के रखना चाहते हैं, तो वो एक चेंज नहीं सी आ रही ने, इस चेंज नूं असीं काफ़ी दिनों का तलाश कर रहे सां, दुआ मांग रहे सां, और अज वो चेंज आती नज़र आ रही है, रब की रहमत दा दे आसार नज़र आ रहे हैं, और इसलिए साडा दिल बड़ा खुश है और अज असीं खुशी दीआं गल्लां करनीआं ने अपने सारे सुनने वालेआं नाल। एक होर खुशी का गाना सुनने तो फिर वापस आने, सुनते रहो एफ एम 95 पंजाब रंग। जी सामेन एक बार फिर जी आयां नूं, और असीं अज सुबह की गल कर रहे हैं खुशी दी, मुहब्बत दी, जिंदगी दी, रोशनी दी, और यह सारियां चीज़ों का तल्लुक है मौसम नाल। जिहड़ा अज सोहना मौसम असीं देखिया उहदे नाल इकदम जिंदगी च एक हरारत, एक खुशी दी लहर पैदा हो गई, और मैं समझनी हां कि इंसान भी अजीब चीज़ है, दुख जदों उहनूं किसी चीज़ तो महसूस होंगे तो भी पता ही नहीं चलता, और छोटी जी गल दुखी कर जाती है, और जदों कोई खुशी की गल होंदी है, खुशी का समा हों तो वह बयक वक्त सारिया चीज़ों भुल जाता है, सारिया तकलीफों टेंशन जिंदगी दे नाल जाहिर है ये चीज़ा जुड़िया हुई ने, दुख और सुख जिस तरह एक सिक्का है वो दो रुख होंगे ने, इस तरह दुख तो सुख जिंदगी इंसान हर इंसान देखने पैंदे ने, किसी ज़्यादा किसी को घट, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बंदा बहुत ही खुश है, ये कहा जा सकता कि कोई बंदा दुखों महसूस नहीं करता या दुखों इतनी अहमियत नहीं दिता और सुखों वाल अपनी तवज्जो रखता है और अपने आप को उन्हें एक पॉजिटिव तरीके एक मुसबत तरीके अपनी सोच न सुखां वाले पासे ज़्यादा उसकी तवज्जो मरकूज की है। और कुछ लोग होंगे ने कि उन्होंने निक्का जिहा दुख होंदा और बहुत सारे सुख होंगे ने, लेकिन हर वेले दुखां दा रोना उस निक्के जे दुख नूं एक ना एक फोड़ा बना के उन्हूं रोंदे रहिंदे ने और उन्हूं संभालदे रहिंदे ने, उन्हूं पूछदे रहिंदे ने और उसकी परवरिश करदे रहिंदे ने। और कुछ लोग होंदे ने वड्डे वड्डे दुख होंदे ने, उन्हां दे दिल च वड्डियां वड्डियां परेशानियां होंदियां ने, पर उन्हां सारियां परेशानियां ते उन्होंने एक चादर पाई होंदी और एक चेहरे ते मुस्कुराहट रखदे ने और खुशी दा इजहार भी करदे ने, लोगों नाल खुशी नाल मिलदे ने, खुशी नाल गल्लां करदे ने, और जिंदगी च जिहड़ी छोटी मोटी उन्हां नूं कोई सहूलत मुयसर है, खुशी मुयसर है, उहदा शुक्र अदा करदे ने और अपने आप नूं खुश जाहिर करदे ने। मेरा ख्याल है कि यही एक जिहड़ा तरीका है जिंदगी गुजारने दा, इही है कि असीं अपनी जिहड़ियां जिंदगी च कोई साडे कोल कमियां ने, कोई चीज़ां सानूं नहीं मिलियां, कोई सानूं दुख ने, तो उन्हां दा रोना ना रोईए, वह भी रब दा शुक्र अदा करिए कि जे कुछ सानूं मिले उहदे ते शुक्र अदा करिए और उहनूं अच्छी तरह इंजॉय करिए, बजाय जे कि एक कमी नूं असीं रोंदे रहिए और जिहड़ियां 99 साढ़े कोल नेमतां ने उन्हां नूं असीं भुल जाइए। और अज मौसम सोहणा है और अज असीं बिल्कुल पॉजिटिव गल्लां करनियां ने, खुशी दियां गल्लां करनियां ने, मुहब्बत दियां गल्लां करनियां ने। एक होर गाना सुनिया ते फिर वापस आने हैं और फिर तुहाडे नाल लंके फोन ते गल वी करने हैं। और मैं समझनी हाँ कि इंसान खुश तां ही रहिंदा जदों वो किसी का दर्द वंडांदा है और किसी के दर्द सांझ पाउंदा है। अगर हर बंदा यह सोचना शुरू कर दे कि मेरी खुशी लिए सारे लोग काम करन और जो मैं चाहना हो जाए तो मेरे हाल ना वो आप ही खुश रह सकता है ना दूसरे खुश रह सकते हैं। सानू अगर अपनी खुशी अजीज़ है तो यह भी एहसास होना चाहिए, यह भी सोचना चाहिए कि दूसरों को भी उन्होंने खुशी अजीज़ है और दूसरों की खुशी का कारण भी कई बार असी बनने। अगर असी हर बंदा एक नए दुख सुख दे अपने तक महदूद हो तो फिर तो कोई बंदा भी खुश नहीं रहेगा ना। मुआशरा है, समाज है, असी किसी ना
ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ, ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 111-111-09-5 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਦਾਤਾ ਸ਼ਵਾਜ ਮਾਲੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਦਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਹਤ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੀਜੋ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਔਰ ਗੁਫਤਗੂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜਾਨ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕੌਣ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੱਭਦ ਹੁਸੈਨ ਗਾਡ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਮਰ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਮੋਤੀਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ, ਪਾਵਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦਰ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਫਰ, ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਆਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁੱਭਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਲਾਡਾ ਗੁੱਜਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੋ ਨੈਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਤਾ ਬਿੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਛਾਣੇ ਦੀ ਕਿ ਰੂਹੇ ਰੂਹਾਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਦਿਆਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਨੇਮ ਚਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ
लतीफा भी हुंदा अज मैनू पता लगे और वाकई जरा लतीफा जिहदे च इक मजाक निकलदा है और कोई उहदे च फकड़ पन या गैर इखलाकी गल नहीं हुंदी, लतीफा तो ही हुंदा ना। गलबात करनी चाहीदी है और मौसम नाल गल्लां करनियां चाहीदियां ने, दिल दियां गल्लां। कुछ गल्लां हुंदियां ने जिहड़ियां बंदा किसे बंदे नाल नहीं कर सकदा लेकिन ओह मौसम नाल कर सकदा, और अज दा मौसम बिल्कुल इहो जिहा कि तुसीं इहदे नाल अपने दिल दियां गल्लां कर सकदे हो, सांझियां कर सकदे हो। कोई भी राज इस मौसम नूं दसो, इह मौसम बड़ी खुशी नाल उहनूं सुणेगा और अपने दिल च रख लेगा और बिल्कुल किसे नूं नहीं दसेगा, बल्कि पूरी दुनिया ते ओह राज जिहड़ा ने खूबसूरती नाल एक हवा वांगू फैल जाएगा, उहदी तुसीं महसूस करोगे उहदी खूबसूरती। और दिल दी गल जिहड़ी है और मौसम नाल कीती जाए ते फिर मौसम ते होर सुहाना हो जांदा। एक गीत सुनने आ फिर वापस आने आ और तुहाडे नाल फिर गलबात करने आ। सुनदे रहो FM 95 पंजाब रंग। जी और लड़न लगियां बंदियां नाल ठगियां नहीं करनियां चाहीदियां, ठगियां करने वालियां नूं जरा सोचना चाहिए। कोई अदालत ऐसी भी होनी चाहिए जिथे इन्हां दे खिलाफ़ जाके रबड़ लिखवाई जा सके, और इहो जिहे गाने जिहड़े बनाने लिखण तों बजाए कि जाके उत्थे रबड़ लिखवाई जाए। लेकिन मैं समझनी हां कि गाने में खूबसूरती हुंदी है, एक अहसास अपने दिल का जाहिर करना, और उहदे च मुहब्बत शामिल हुंदी है। मुहब्बत च जदों शिकवा भी किया जाता है तो वह भी एक खूबसूरत अंदाज हुंदा है, और वह भी मुहब्बत ही हुंदी है, शिकवा तो हुंदा ही नहीं। उत्तर ओले असीं गल कर रहे सां कि मौसम दी, खुशी दी, खूबसूरती दी, जिंदगी दी, ताजगी दी, और यह सारियां गल्लां होंदियां ने दोस्तां मित्रां चाहण वालियां नाल, मुहब्बत करन वालियां नाल। और लेकिन मैं कहा सी कि सिर्फ असीं मुहब्बत चाहनी नहीं, मुहब्बत करनी भी है, क्योंकि सिर्फ असीं अगर सोचते रहेंगे कि दूसरा बंदा साढ़े लिए सुख दी काम करे, दूसरा बंदा साढ़े लिए सोचे, वो साड़ियाँ खुशियाँ साढ़े सुख लिए जदोजहद करे, और असीं कुछ ना करिए जवाब देना पैंदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाजी, क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र। कौन मेरा प्राप बोल रहे? मैं जी जलालपुर पीरल तो अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ। अच्छा अब्दुल हमीद साहब ठीक हो? अल्लाह का करम है, तुसी सुनाओ। अल्लाह का करम साडे ते भी है, दसो। मौसम लाहौर का बड़ा बेहतरीन हो गया है जी। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, मुबारक हो मैं फिर। खैर मुबारक, तुहानू नहीं पता लगा? नहीं, असि जलालपुर पीर आले आ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो असि इथो मौसम थोड़ा जा सोना जा तुहाडे अल भेजने आ, ठीक है? नहीं तुसी साडे वाल मौसम ना भेजो, मौसम उथे भी वैसे सोना है। अच्छा आहो, चलो तुहाडे अल असि गाना भेजने आ, ठीक है? जी मैं आवांगी हवा बन के, और हवा जदों आँदी है तो फिर उन्होंने बूहे बारियाँ तो कंधा टप्पण की लड़ नहीं होंगी, तो वैसे ही हवा तो हर जगह उपड़ जाती है, उन्होंने तो पहुँच दी, और हवा पहुँच रही है ताई इंसान जिंदा है और खुश है। लेकिन हवा न अपने अंदर महसूस करने जरूरी होंगे कि अपने दिल खिड़कियाँ खोलिया जा, और खिड़कियाँ जोड़े बूहे की गल की जा रही थी वह दिल के नाल उन्होंने तलक से, जो दूसरे के दिल की कैफियत महसूस करने अपने दिल के बूहे भी खोलने चाहिए ने, तो ही पता चलता है कि अगला की सोच रहा है। हूँ इस वे साढ़े नाल जो कॉलर ने अभी देखने की कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिंदा रहे माशाल्लाह, तू एड्डी सोहनी कहानी सुनाई है ने, मैं तो क्या हूँ किस्तवार ना किधर कहानी चलानी पवे, क्योंकि लतीफा सुन के फिर असं तो सौ ही गए सी, पता नहीं कदों खत्म होना इन्हें, लेकिन बाद पता चलिया कि कहानी है चंगी भली कहानी है, और एक नतीजा भी सी बड़ा अच्छा कि वाकई तेन गल तो सही है कि जड़े जुबान के फट होंगे ने, जी सा गल न किसी के दिल से फट लगते हैं, या किसी की गल दिल से फट लगते हैं, वो कदे भी नहीं मिटते और हमेशा ताज़ा रेंगे ने, और जड़े जारी तौर पर जिसम के फट लगते हैं, कोई जख्म लगता है वो मुंदमिल हो जाता और ठीक हो जाता है। ये तो कहानी सुनाई थी लतीफे वाली गल मैं नज़र नहीं आई, अगू जरा मैं दसना कि लतीफा ते कहानी च की फर्क होंदा, ठीक है? जीउंदे रहो, बहुत शुक्रिया रखे, और मेरे वतन दे सारे लोगों नूं आबाद रखे, और FM 95 नाल जुड़े रहना, क्योंकि FM 95 तुहाडा अपना चैनल है, तुहाडी पंजाबी जुबान, तुहाडी रहतल दी गल करने असीं, और असीं सारे अपनी सोच नूं अपने अहसासात नूं सांझा करने आ, अपनी जुबान दीआं गल्लां करने आ, अपने दुख सुख शेयर करने आ, और दुख सुख बंदा अपने नाल ही शेयर करदा, और असीं ते सब इक कौम आ, इक शहर दे लोक आ, इक